हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है जलेबी। जलेबी जितनी खाने में टेस्टी होती है उतना ही इसे बनाना भी आसान है। बस 15 से 20 मिनट में हम प्लेट भर के जलेबी बनाकर तैयार करेंगे। जितनी देर में आप इसे बाहर से लेके आएंगे उससे आधे समय में आप इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल हलवाई के जैसी बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और एकदम जूसी जलेबी बनके तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा, तो ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप दही, तो जितनी आप मैदा लें उसका 1/3 हिस्सा आप दही ले लें। दही जो हमें लेना है वो एकदम खट्टा होना चाहिए। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी भर येलो कलर। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। जो फूड कलर है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे टेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जब भी हम जलेबी बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपके बैटर की कंसिस्टेंसी होती है। जो आपका बैटर है अगर वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है तभी आपकी जलेबी परफेक्ट बनेगी, नहीं तो वो या तो सॉगी हो जाएगी या फिर वो बहुत ही पतली होकर चपटी बनेगी। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। तो ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बैटर हल्का सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी में और ऐड कर लेती हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। तो देखिए इसके एक रिबन की तरह से गिरे। अब हम इसे ढक देंगे और अपनी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी। जितनी हमें चीनी लेनी है उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में हमें पानी लेना है। फिर हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। थोड़ी देर के बाद ये देखिए जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, बस हम इसे हल्का सा गाढ़ा और कर लेंगे। अब ये मैंने इसमें डाल दिया 4 से 5 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, बस ये मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड किया है ताकि जब हम जलेबी बनाएं तो दिखने में बिल्कुल हलवाई के जैसी दिखे। अगर आपके पास ये कलर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस हम इसे 2-3 मिनट तक गाढ़ा करेंगे और फिर इसे चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए, बस ये हल्की चिपचिपी होनी चाहिए। जब हम इसको उंगली पे इस तरीके से छू कर देखें तो ये हमें शहद के जैसी लगे। तो बस हल्की चिपचिपी हमें चाशनी बनानी है। अगर आप बहुत गाढ़ी चाशनी बना देंगे तो एक चाशनी की परत चढ़ जाएगी जलेबियों के ऊपर, और अगर आप इसको बहुत ज्यादा पतला करेंगे तो आपकी जो जलेबियां हैं वो सौगी हो जाएंगी। अब हम इसमें डाल देते हैं ये 1/2 से थोड़े से कम नींबू का रस। इससे हमारी चाशनी का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, जो आप कई बार देखते होंगे एक परत सी बन जाती है चाशनी की सफेद रंग की, वो नहीं बनेगी। दूसरी तरफ हमारे बैटर ने भी रेस्ट कर लिया है, तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी को आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, इसे हम एक बार हल्के से मिक्स कर लेते हैं। बस अब हम इसे जलेबियां बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए आप इस तरीके की कोई बॉटल ले सकते हैं, या फिर जो केचप के लिए बॉटल आती है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है उसके ढक्कन में आप होल करके उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम कोई भी इस तरीके का फनल लगा देंगे ताकि जो बैटर है वो बाहर ना गिरे। अब हमें इस बॉटल को भर लेना है।
तो ये हमने बॉटल में बैटर को भर दिया है। अब हम इसे बंद कर देंगे। आप चाहें तो इस तरीके का जो दूध का पैकेट आता है उसे भी आप जलेबी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आप एक कॉर्नर से कट कर लें, फिर इसे एक ग्लास पर लगा दें और फिर इसके अंदर हम बैटर भर लेंगे। फिर हम इसे ऊपर से बंद कर देंगे और उस पर एक रबर बैंड लगा देंगे ताकि जब हम इसे जलेबियाँ बनाएं तो जो बैटर है वो बाहर ना निकले और इसे मैनेज करना इजी हो। अब हम इस पे आगे से छोटा सा कट लगा देंगे। तो बैटर हमने भर लिया है। अब हम एक पैन में घी गरम कर लेंगे। जब आप जलेबियों को फ्राई करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो बर्तन हमें लेना है वो थोड़ा सा फ्लैट सरफेस वाला लेना है। तो इस तरीके का जो पैन है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप कढ़ाई ना ले, जो गहरा बर्तन है वो आप ना ले, और उसमें जो घी है वो आपको बहुत ज्यादा नहीं भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस इसकी आधे से एक इंच के लगभग लेयर हमें रखनी है। जब हम जलेबियाँ फ्राई करेंगे तो जो हमारा घी है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। फिर जैसे हम इसमें जलेबी डालेंगे तो हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और फिर हम इसमें जलेबियाँ बनाते जाएंगे। यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपकी जलेबी का शेप प्रॉपर नहीं आ रहा है, वो फैल रही है, तो इसका मतलब जो बैटर है वो काफी पतला है। तो आप उसमें हल्का सा मैदा, 1-2 चम्मच मैदा और डालकर उसे फिर से मिक्स कर सकते हैं। तो जो हमारी जलेबी है वो जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो बस उसे हम उठाकर चाशनी में डाल देंगे। अब हमें फटाफट से उसको चाशनी में डालते जाना है और बस उसे एक बार डिप करके निकालते जाना है। जलेबियों को हम चाशनी में नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक चाशनी में छोड़ देंगे तो जो जलेबियाँ हैं वो सौगी हो जाएंगी। तो एक बार इसको इस तरीके से घुमाते जाएं और फिर लास्ट में आप इसे लॉक कर दें, जिससे जो जलेबी है उसका शेप एकदम बाजार के जैसा आए। थोड़ी देर के बाद ये फूल के ऊपर आ जाएंगी। तो एक बार जब आप इसमें बैटर डालें तो उसे टच ना करें, बस कुछ सेकंड्स के बाद ये फूल कर अपने आप ऊपर आ जाएंगी। फिर हम एक चिमटे से इसे केयरफुली पलट देंगे और इसे दोनों तरफ से सिकने देंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो बस फिर हम इसे चाशनी में डाल देंगे। तो बस हम जलेबियों को फटाफट से फ्राई करते जाएंगे, उन्हें चाशनी में डालेंगे और फिर कुछ ही सेकंड्स में उन्हें निकाल लेंगे। तो ये हमारी खूब सारी जलेबियाँ बनके तैयार हैं, वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट में। अब इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसे गार्निश कर देंगे, इसे थोड़ा सा रिच लुक दे देंगे। अब इसे तोड़ के देखते हैं तो ये देखिए कितनी क्रंची और क्रिस्पी हमारी जलेबी बनके तैयार हुई है। ये देखने में जितनी टेस्टी है, खाने में ये उससे बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो आप भी एक बार जलेबी को घर पे बना के ट्राई करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।